बिहार के वाल्मीकि ब्याग प्रोजेक्ट अंतर्गत जंगल के किनारे बसे सभी गांवों में इको विकास समिति गठन करने तथा समिति को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराने की सारी जिम्मेदारी वन क्षेत्र पदाधिकारी के ऊपर है। ग्राम डुमरी वाल्मीकि ब्याग प्रोजेक्ट के बफर जोन में आता है, लेकिन वन क्षेत्र पदाधिकारी वितरण के समय ग्राम डुमरी के साथ भेदभाव कर रहे थे, जिस समस्या को मैंने अलग तरीके से देखा और ग्राम डुमरी को इको विकास समिति के सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ठान ली। हमने के सरकार ना कुछ सुविधा दिला बड़ा ना कुछ ना कत्ते दिला बड़ा, तो किंगा सामने बचावल जाए। हमने के जौन सरकार और से मिलता है हक माने बजनी के सिमरी के चाहे ले के बजनी पिनारी पूरा छीन ले वाले। अब हमने कति हक जमावल जाए जो हमने के माने करल जाए जो हमने को हक मिली। कौन सी सामग्री मिलल बा? जनरेटर अलवा समियाना अलवा बेटा बेटी के ब्याह शादी करते नि सब में हमने माने कर्जी बर्तन भणिया आवा तब में हमने कर्जी पैंचा खोज के करते तो हमने के मिलल बा। सिमरी डुमरी में केकरो बेटे बहन के नहीं खे मिलल। विभाग कहाँ सामान देवे के चाहत रहे? तो बड़न तो सिमरी में देवे के साथ चाहत रहे, घूस पर ले बड़न कि का पर ले बड़न हमने के नहीं मिल। तो सिमरी जंगल से कितना दूर पर बा? सिमरी हमने के लेके 2 मीटर किलो बा दूर। हाँ तो का सिमरी नजदीक बा जंगल से कि डुमरी? डुमरी बा। जो जंगल के किनारे बफर जोन है उसमें ग्राम डुमरी आता है जी। और ग्राम सिमरी जो है वो बफर जोन के बाहर है। और रेंजर जो वन क्षेत्र पदाधिकारी है वो चाह रहे थे कि सिमरी को देंगे, तो इसलिए मैंने जब आवेदन की बात की आपने जब प्रयास किया तो मैंने ये भी बतलाया था कि अगर आवेदन दिया जाता है और रिसीविंग मिल जाता है तो जरूर मिलेगा, जिसके आधार पर इस फोटो को हम फोटोकॉपी एक दिए थे। इस आधार पे जो जिला कार्यालय से ये चिट्ठी है जिसमें कितने गांव आता है बफर जोन में, कौन कौन सा गांव आता है इसमें दर्शा रहा है। उसके बाद ये इसी आधार पर हमने ये आवेदन लिखा था और इसमें वन क्षेत्र पदाधिकारी से रिसीविंग भी लिया गया था। क्या आपका जो गांव है डुमरी है तो हम सिमरी डुमरी में कंफ्यूज कर गए थे, लेकिन आपका प्रतिवेदन मुझे आज प्राप्त हुआ है, तो इसमें अग्रसर कर कार्रवाई हम करके अपने पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी को कन्विंस करके आपके गांव को निश्चित रूप से सामान देंगे। सहयोग तो गाँव वालों को रहा, उसके बाद आपने वीडियो बनाया, उसके बाद गाँव में कई बार रात्रि मीटिंग 3-4 मीटिंग करवाए, तब गांव वाले इकट्ठा हुए और इसके लिए गांव वालों ने चंदा भी लगाया ट्रैक्टर ले जाने के लिए, धरना दिए, तब उन रेंजर साहब को लगा कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को सामग्री दिया जाएगा। वन क्षेत्र पदाधिकारी काफ़ी सामग्री दिए हैं, जिसमें समियाना है, टेंट हाउस का सामग्री है जैसे भाड़ा बर्तन हंडा जग बाल्टी थाली ग्लास कुर्सी बहुत सारा सामग्री है, खेल का सामग्री है। खेल में क्या क्या सामग्री? खेल में क्रिकेट का पूरा सेट है, क्रिकेट बॉल बैट स्टंप ड्रेस, उसके बाद फुटबॉल भी दिए हैं, फुटबॉल में है बॉल और ड्रेस बूट, और वॉलीबॉल में है वॉलीबॉल नेट, उसके बाद है कायरन बोर्ड, कायरन बोर्ड में है गोटी और कायरन बोर्ड। सामग्री मिलने से गांव में कैसा मुहान रहा है? काफ़ी खुशी है लोगों में, इसलिए कि हाल ही में जब अष्टजाम हुआ उसमें सभी सामग्री को पहले गांव में वसूलना पड़ता था या भाड़े पर लाना पड़ता था, अब सार्वजनिक अष्टजाम था तो उसमें हम लोग उसको प्रयोग किए, कुर्सी भी ले गए थे समियाना भी ले गए थे और उसी बर्तन में खाना बना, जितने भी 8-10 मंडली थे उन लोगों को भी खिलाए हम लोग। मैं अपने समुदाय के मर्द के साथ ग्राम डुमरी के लोगों के साथ हो रहे अन्याय और इको विकास समिति डुमरी के साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने में सक्षम थी। इसे पता चलता है कि सामूहिक प्रयास से ही तेजी से बदलाव लाया जा सकता है। इस बदलाव में लोगों की जागरूकता काफ़ी अहम रहा, जिससे मुझे यह सफलता मिला। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।